some people say that in our modern age it is unnecessary to teach children about the skills of handwriting to what extent do you agree or disagree ab is essay mein aapne batana hai ki to what extent do you agree or you disagree तो सबसे पहले तो आपका अपना ओपिनियन आपने बनाना है कि आपका ओपिनियन क्या है इस ऐसे में जो मेरा ओपिनियन है आई फर्मली बिलीव डैट हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन टूडेज एड ऑफ टेक्नोलॉजी तो आपने भी जो है अपना एक ओपिनियन बनाना है कि आप एग्री करते हैं या डिस एग्री करते हैं क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन में वो लिख देना है कि आपका क्या ओपिनियन है और फिर आपने आपने अपने बॉडी पैराग्राफ्स में उसी ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए एग्जाम्पल्स देनी है और आपने उसी को यह एक्सप्लेन करना है ठीक है तो आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप ये तो नहीं कि हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में कुछ और लिख रहे हैं और फिर न्यूट्रल स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही है आप किस तरफ हैं आप आपका ओपिनियन है क्या आपको यही नहीं पता चलता जब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं होता कि आप एग्जामिनर को क्लियरली ये पता ही नहीं चल रहा होता कि आपका आप कहना क्या चाह रहे हैं आप किस साइड पे हैं तो फिर एग्जामिनर आपके बैंड स्कोर्स जो हैं वो मतलब फिर आप अपने डिजायर्ड बैंड स्कोर्स अचीव नहीं कर सकते अगर आपका ऐसे क्लियर ही नहीं है ठीक है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने ऐसे की टाइप देखनी है अगर डिस्कशन ऐसे है तो डिस्कस करके तो आपने अगर उन्होंने ओपिनियन मांगा है आपने अपना ओपिनियन देना है एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पूछी हुई है तो आपने वो बतानी है अगर वो ये कह दें कि एडवांटेजेस uh, मतलब ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेज आउटवे करती हैं तो वो आपने जो क्वेश्चन आना आपने उसका आंसर देना है ठीक है अब इस ऐसे में उन्होंने जो पूछा हुआ अगर तो आप डिसएग्री करते हैं तो आप उस तरह से अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिख लें अगर आप एग्री करते हैं तो आप उस तरह से अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिख लें ठीक है तो कोई uh, मतलब आप स्टार्ट में अपनी जनरल स्टेटमेंट दे दें और इस जो ऐसे प्रॉम्प्ट है इसको पैराफ्रेज कर दें और अपना ओपिनियन देते अ कॉमन ओपिनियन इज डैड विद इंक्रीजिंग रोल कंप्यूटर्स प्ले इन आर सोसाइटी हैंडराइटिंग इज नो लॉन्गर एंड इम्पॉर्टेंट स्किल टू लर्न एट एन अर्ली एज ये कॉमन ओपिनियन की बात हो रही है कि लोग आजकल ऐसा कहना शुरू हो गए हैं अनफॉर्चुनेटली दिस ओपिनियन इज मिसाइडेड आई फर्मली बिलीव डैट हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन इन टू डेज टेक्नोलॉजी अब देखें इसका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखें ईवन का यूज हुआ है क्या आप अपने ऐसे में इवन यूज कर सकते हैं इवन इवन ईफ इवन दो ठीक है ये वर्ड्स अगर आप लिख सकते हैं ना तो आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लिख सकते हैं आई फर्मली बिलीव डैट हैंड राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कोई स्टूडेंट बस यहाँ पे होस् स्टॉप लगा देंगे कि हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे लेकिन अगर आपको एक्सटेंड करना नहीं आता सेंटेंस को तो आप अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर्स अचीव नहीं कर सकते ठीक है इसको एक्सटेंड कैसे किया आई फर्मली बिलीव डेट हैंडराइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हमने फुल स्टॉप नहीं लगाया हमने आगे वर्ड एड किएन ईवन इन टूडेज टेक्नोलॉजी कितना ब्यूटिफुली यूज किया है इवन को और हमने एक अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा ठीक है एक अच्छा सेंटेंस लिख दिया और आगे फिर हमने अपने बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं जैसे अब हम ये कह रहे हैं कि हैंड राइटिंग इम्पॉर्टेंट है तो अब हम बताएंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है तो हैंड राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज रिसर्च शोज दैट माई चिल्ड्रन लर्न हाउ टू डू इट दे ऑल्सो लर्न हाउ टू एक्सप्रेस दैमसेल्व हैंड राइटिंग इज सो मच मोर देन सिंपली पुटिंग लेटर्स ऑन अ पेज इट इज़ अ की पार्ट ऑफ लर्निंग टू कम्युनिकेट राइटिंग इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज स्पीकिंग कॉमा एज अ मीडियम फॉर कम्युनिकेटिंग थाट ठीक है ये कॉम्पलैक्स स्ट्रक्चर है ठीक है कॉम्पलैक्स सेंटेंस लिखने आपने कंपाउंड सेंटेंस लिखने हैं कॉम्पलैक्स कंपाउंड सेंटेंस लिखने कंडीशनल सेंटेंसिज लिखने हैं फॉर दिस रीजन इट इज सैडर राइटिंग इज अ सेकेंडरी पार्ट ऑफ स्पीच एंड दोज हु कैन नॉट राइट आर इन पार्ट ऑफ डंप ओके सो इस बॉडी पैराग्राफ को पढ़ें और देन राइट दिस बॉडी पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स और इस तरह के वर्ड्स यूज करके अपना सेंटेंसेस लिखें इवन लिख इवन दो इवन इफ एज सो डिस्पाइट इन स्पाइट ओके हैंड राइटिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज किड्स आर रिक्वायर टू यूज इट डेली इन स्कूल्स फ्रॉम किंडर गार्डन ऑन चिल्ड्रन हु मैकेनिक्ड रॉइटिंग

हैंडराइटिंग प्रोफिशेंसी इंस्पायर कॉन्फिडेंस द मोर चिल कौन सी है सच एज सच एज का भी यूज करना सीखें अपने सेंटेंसेज में सच एज हैंड राइटिंग द स्ट्रोंगर द मोटर पैथ वेज बिकम अंटिल द स्किल बिकम ऑटोमेटिक अंटिल यूज कर सकते हैं क्या आप सेंटेंस में अपने कोई सेंटेंस लिखें इसी से रिलेटेड जिसमें आप यूज कर सकते हैं एंटिल वंस इट्स मास्टर्ड चिल्ड्रन कैन मूव ऑन टू फोकस ऑन द सब्जेक्ट रादर देन अभी देखें रादर देन यूज कर सकते हैं आप अपने सेंटेंस में इस सेंटेंस को देखें इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखें और फिर आप देखें कि आप लिख सकते हैं रादर देन अपने सेंटेंस में क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं अगर आप ये लिखेंगे ना तो इट मीन्स आप सिंपल सेंटेंसेस नहीं लिख रहे आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं ठीक है तो कॉमन लिखे राधर देन वरी अबाउट हाउ टू फॉर्म लेटर्स ठीक है सब्जेक्ट फोर्स स्टॉप नहीं लगाया एक्सटेंड के सेंटेंस को राधर देन वरी अबाउट हाउ टू फॉर्म लेटर्स फर्दर मोर हैंड राइटिंग इज़ मेमोरी फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन राइट आर लिस्ट और आ नोट देन लव इट ही इज मच मोर लाइकली टू रिमेम्बर वट ही रोट If we just try to memorize it. In summary, handwriting skills are very essential. अब yahan pe आपने comma लगा सकते थे नहीं लगाया Even लिखे टूडे बिलीव दिया diya even today इन चीजों का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है एग्जामिनर पे अपार्ट फ्रॉम बींग टूल ऑफ कम्युनिकेशन इट helps द ब्रेन develop. इट कैन इंप्रूव ग्रेड्स एंड कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो aids मेमोरी ओके okay? uh read this essay look at these words and try to use these words in your sentences okay uh, that's all for this video if you ha have any questions you can ask me in comments